पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। समझने के लिए थोड़ा विश्लेषण जरूरी है। हमारी पांच इंद्रियां हैं, स्पर्शन इंद्रिय, रसन जिह्वा, घ्राण श्रोत्र और चक्षु। ये पांच इंद्रियां हैं और बाह्य जगत के साथ सारा संपर्क इन इंद्रियों के माध्यम से होता है। हमारा बाहर का जगत स्पर्शमय है, रसमय है, सुगंधमय, गंधमय है, शब्दमय है और रूप रंग रूपमय है। पांच बाह्य जगत के विषय और पांच हमारी इंद्रियां, इंद्रियां ज्ञानात्मक है और विषयों को जानती है और बाह्य जगत के साथ हमारा संपर्क स्थापित होता है। एक छठा इंद्रिय है, वह है मन। मन भी एक इंद्रिय है, विकसित है, इंद्रियों से विकसित है। इंद्रियां केवल वर्तमान को जानती है और मन त्रैकालिक है, वह अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को जानता है। उसका ज्ञान त्रैकालिक और इंद्रियों का ज्ञान केवल वर्तमान कालिक। बस हमारी सीमा, हमारे ज्ञान की सीमा, हमारे जीने जीवन की व्यवहार की सीमा, इंद्रिय चेतना हमारी सीमा है। प्रेक्षा ध्यान का अर्थ है इंद्रिय चेतना का सम्यक नियोजन। इंद्रिय चेतना का नियोजन किया जाता है, होता है। हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, यह इंद्रिय चेतना का नियोजन होता है। पर इसके दो प्रकार बन जाते हैं। एक प्रकार है कि राग द्वेष से प्रभावित होकर देखना, राग द्वेष से प्रभावित होकर सुनना, राग द्वेष से प्रभावित होकर खाना चखना स्वाद लेना, एक प्रकार यह इंद्रिय चेतना का नियोजन सामान्य दुनिया में चलता है, साधारण है। इसमें कोई विशेष बात नहीं, हर प्राणी, मनुष्य भी और दूसरे प्राणी भी राग द्वेष से प्रभावित होकर इंद्रिय चेतना का नियोजन करते हैं। देखने की एक कला का विकास जब होता है तो मनुष्य देखता है, पर केवल देखता है, राग द्वेष से युक्त होकर नहीं देखता, केवल देखता है। केवल शब्द का प्रयोग यह सम्यक नियोजन को सूचित करता है। जहां केवल लगा कि मैं केवल देखता हूँ, केवल सुनता हूँ, केवल चखता हूँ, इसका तात्पर्य है इंद्रिय चेतना का सम्यक नियोजन। उसका स्वरूप है ज्ञानात्मक। इंद्रिय चेतना का मूल स्वरूप है ज्ञानात्मक। सामान्यतया मनुष्य ज्ञानात्मक चेतना का प्रयोग जानने के लिए ही नहीं करता, किंतु राग और द्वेष के लिए करता है। जब देखने के साथ राग जुड़ा, किसी को देखा, राग जुड़ा और प्रियता का भाव पैदा हो गया। किसी व्यक्ति को देखा और द्वेष उसके साथ जुड़ा, उसके साथ अप्रियता का भाव पैदा हो गया। यह प्रियता और अप्रियता, सारी संसार की व्याख्या इसमें निहित है। हमारा सारा व्यवहार प्रियता और अप्रियता के साथ चल रहा है।
या तो हम प्रियता के साथ देखते हैं या अप्रियता के साथ देखते हैं। इसीलिए एक तीसरे नेत्र की अपेक्षा सामने आई कि तीसरा नेत्र खुलना चाहिए, और तीसरा नेत्र है समता का नेत्र। थर्ड आई की आज बहुत चर्चा है, तीसरे नेत्र की चर्चा। अपेक्षा का अर्थ है समता की चेतना का विकास, समता के नेत्र का खुल जाना। जब समता का नेत्र खुल गया, हम देखेंगे, केवल देखेंगे, यथार्थ का बोध करेंगे, जानेंगे। उसके साथ न प्रियता का भाव होगा और न अप्रियता का भाव होगा। यह है हमारा इंद्रिय चेतना का सम्यक नियोजन। प्रेक्षा ध्यान का तात्पर्य यही है कि हम चेतना के इस रूप का उद्घाटन करें कि केवल देख सकें। बहुत बड़ी शक्ति है, अभ्यास के बिना संभव नहीं कि केवल देख सकें, केवल सुन सकें, केवल सुनूं, केवल सुनूं। उसके साथ न कोई प्रियता का भाव आए और न अप्रियता का भाव आए, केवल शब्द का अर्थ बोध हम कर सकें। यह बहुत बड़ी शक्ति है, वह सम्यक नियोजन के द्वारा ही संभव हो सकती है। रहता है चंचलता हमारी बनी रहती है, चंचलता मन का स्वभाव है। हम उसको अन्यथा न माने, उसकी प्रकृति है चंचलता, क्योंकि वह प्रवृत्त्यात्मक है, योग है, प्रवृत्त्यात्मक है। इसलिए चंचलता उसका सहज स्वभाव, सहज प्रकृति है। उसका भी सम्यक नियोजन करना, एक साथ अनेक विचार आते हैं, विचारों का सम्यक नियोजन, विचार एक के बाद दूसरा विचार आता रहता है, क्योंकि विचार परिस्थिति के साथ उपजता है और भीतर से भी, हमारी भावधारा से भी उपजता है। मन की चंचलता के दो स्रोत हैं, भीतर से भी चंचलता उसकी आती है और बाहर से भी आती है। ध्यान का अर्थ है उस चंचलता का निरोध करना, चंचलता को कम करना, रोकना। इसलिए दो शब्द हमारे सामने आते हैं, व्यग्रम और एकाग्रम। एक आलंबन पर मन नहीं टिकता, आलंबन को बदलता रहता है, वह चेतना की मन की अवस्था है व्यग्र अवस्था। और जब मन किसी एक आलंबन पर टिक जाता है, उस अवस्था का नाम है एकाग्र अवस्था, एक आलंबन पर टिक गया। ध्यान का प्रारंभिक अर्थ है एक आलंबन पर मन को टिकाने का अभ्यास। जब एक आलंबन पर टिक गया, हमने जो आलंबन लिया उसी पर मन टिका रहे, हमारी एकाग्रता सद गई और चंचलता कम हो गई। चंचलता को कम करना बहुत आवश्यक है। जितनी समस्याएं पैदा हो रही है, उन समस्याओं के मूल में जाकर देखें तो चंचलता का बहुत बड़ा भाग है। एक छोटी सी समस्या और चंचलता अधिक है तो राई पहाड़ बन जाए, और एक बड़ी समस्या है और हमारी चंचलता कम है तो पहाड़ जैसी समस्या राई जैसी बन जाएगी। समस्या छोटी बड़ी, अगर तुम्हारी चंचलता अधिक है तो समस्या बड़ी है, और यदि तुम्हारी चंचलता कम है तो समस्या छोटी है। मन की चंचलता, ध्यान का पहला उपक्रम, पहला प्रस्थान, चंचलता को कम करने का अभ्यास, एकाग्रता का अभ्यास।
इंद्रियों की प्रतिसंलीनता। उपाय बतलाया गया कि यदि मन की एकाग्रता को साधना है, चंचलता को कम करना है, तो प्रतिसंलीनता का अभ्यास। प्रतिसंलीनता जैन आगम का शब्द है, इंद्रियों की प्रतिसंलीनता। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में इसे कहा है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी इंद्रियां अपने विषय पर जा रही है, वहां से हटाकर और भीतर में ले आओ, इंद्रियों को भीतर ले जाओ, बाहर काम मत करने दो। बस यह प्रतिसंलीनता होती है, चंचलता अपने आप कम हो जाती है। इंद्रियां जब जब बाहर जाती है, दृश्य को देखती है या अपने विषय के साथ संपर्क स्थापित करती है, और मन चंचल हो जाता है। मन इंद्रियों के सहारे काम करता है, मन बाह्य जगत से संपर्क स्थापित नहीं कर सकता। बाह्य जगत से संपर्क स्थापित करने का माध्यम केवल हमारी इंद्रियां है, और इंद्रियों का जो प्रदत्त है, इंद्रियां जो रॉ मेटेरियल प्रस्तुत करती है, उसे पक्का माल बनाना मन का काम होता है। तो मन की चंचलता इंद्रियों की चंचलता पर बहुत निर्भर है। इसीलिए ध्यान में कहा जाता है आंख बंद कर लो। इसका मतलब कि बाह्य रंग रूप के जगत के साथ तुम्हारा संपर्क अब नहीं रखो। कान भी बंद कर लो, बाहर के शब्द को मत सुनो, बाह्य जगत से तुम्हारा संपर्क टूट जाए। पांचों इंद्रियों का निरोध, उनकी प्रतिसंलीनता, उनका संयम, इसीलिए कि मन की चंचलता न बढ़े। मन चंचल तब बनता है कि जब इंद्रियां पहले चंचल होती है। मन की समस्या का समाधान, मन का सम्यक नियोजन, मन को एक विषय पर लगा दो, एक विषय पर, एक आलंबन पर। और इसीलिए श्वास का आलंबन लिया गया। श्वास का आलंबन कि श्वास पर मन टिका दो, मन एकाग्र हो जाएगा। और कितना टिका रहेगा, एक मिनट, दो मिनट, चार मिनट, दस मिनट, जितना एक विषय पर टिकेगा एकाग्रता बढ़ेगी, और यह इंद्रिय चेतना का सम्यक नियोजन हो जाएगा। फिर इंद्रियां समस्या पैदा नहीं करेगी, और फिर मन भी समस्या पैदा नहीं करेगा। समस्या के समाधान का, आंतरिक समस्या के समाधान का सबसे बढ़िया सूत्र है इंद्रियों का सम्यक नियोजन करना। प्रेक्षा ध्यान का स्वरूप, प्रेक्षा ध्यान को हम दूसरे शब्द में प्रस्तुत करना चाहें तो कर सकते हैं कि देखने की कला, सुनने की कला, चखने की कला, सुगंध की कला, गंध लेने की कला और सुनने की कला, ये कला है। जब सम्यक नियोजन हुआ और कला का रूप बन जाएगा, रेखाएं खींची जाती है और चित्र बन जाता है। रेखांकन चित्रांकन हो गया, चित्र बन गया। रेखाएं कुछ नहीं लग रही थी, चित्र बना और एक कलाकृति बन गई, सुंदर लगने लग गया। हम भी अपने अंतर जगत को बहुत सुंदर बना सकते हैं। जब तक इंद्रिय चेतना का सम्यक नियोजन नहीं होता, हमारा भीतर का जगत भी सुंदर नहीं होता। बाहर से व्यक्ति कैसा ही लगे, भीतर का जगत अच्छा नहीं होता, और संपर्क में आने वाले पर पता लगता है कि यह कैसा है। ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा है, बाहर से तो रंग रूप में बहुत सुंदर,
किंतु जब क्रोध बढ़ता, चंचलता बढ़ती, तो रंग रूप का पता नहीं लगता। आवेश इतना उग्र होता कि घर छूट जाता और बाजार में जाकर स्थान बन जाता, गली में जा गली कूचे में जाकर स्थान बन जाता, भद्दापन आता। ये भीतर का भद्दापन बाहर में हमारे व्यवहार में आ जाता है, क्योंकि हमारा इंद्रिय चेतना के सम्यक नियोजन का अभ्यास नहीं है। तो सबसे पहले इंद्रिय चेतना के सम्यक नियोजन का अभ्यास करें, फिर मन की चंचलता को कम करें और एक आलंबन पर टिकने का अभ्यास करें। मन बदलता न रहे, विचारों का हम सामंजस्य करना नहीं जानते। विचारों का प्रवाह निरंतर आ रहा है, उनका भी सम्यक नियोजन करना नहीं जानते। प्रतिपल हर सेकंड में 30-35 विचारों का एक निस्सरण होता है, और ऊपर से ऊपर विचार आते हैं, उन विचारों का नियोजन न करें तो समस्या पैदा होती है। प्रेक्षा ध्यान का अर्थ है मन की चंचलता को कम करने का अभ्यास, एकाग्रता का अभ्यास। क्यों इंद्रियों का संयम करें, क्यों मन की चंचलता को कम करने का प्रयत्न करें, क्यों एकाग्रता का अभ्यास करें, क्यों करें, आखिर है क्या? जीवन तो चल रहा है, प्रश्न हो सकता है, और जीवन चल रहा है उसमें भी कोई कठिनाई नहीं है, क्यों करें? यह हमारा एक विकास का चिंतन है। क्या हम इंद्रिय चेतना के स्तर पर ही रहना चाहते हैं या अतीन्द्रिय चेतना के स्तर पर जीना चाहते हैं? उसका अपना अलग अनुभव है, अतीन्द्रिय चेतना का अनुभव, जो इंद्रिय चेतना से भिन्न होता है, और जिसमें अतीन्द्रिय चेतना का पहला स्फुरण होता है, पहली रश्मि का प्रकाश मिलता है, दुनिया से अलग सा मालूम पड़ता है। इस विषय में एक कहानी भी बड़ी महत्वपूर्ण होगी कि राजा की सवारी जा रही थी। प्राचीन काल में जब राजा की सवारियां निकलती, इतना ठाट बाट, इतना वैभव का प्रदर्शन, और हजारों हजारों लोग उसे देखने के लिए आतुर हो जाते। सवारी जा रही थी, बाजार आया, हजारों लोग खड़े हैं और राजा का अभिवादन कर रहे। जाते जाते राजा ने देखा, एक हिस्से पर मैदान था, मैदान में 5-7 बालक बैठे। राजा को आश्चर्य हुआ कि हजारों लोग, बड़े बड़े लोग मेरे वैभव को देखने के लिए उत्सुक और आतुर हो रहे हैं, और ये 5-4 बच्चे बैठे हैं, आंख उठाकर सामने नहीं देख रहे। दुनिया का नियम है, जिसे देखना लोग चाहते हैं उसे वह नहीं देखता, और जिसे नहीं देखते उसे वह देखने लग जाता है। राजा का ध्यान उनमें अटक गया। महावत से कहा, हाथी को रोको। हाथी को रोका, राजा नीचे उतरा। अधिकारी घबरा गए कि क्या हुआ, अकस्मात ये क्या हुआ। सब इकट्ठे हो गए, बोले महाराज क्या कि नहीं, मुझे इधर जाना है। राजा वहाँ गया जहाँ बच्चे बैठे थे। राजा जाकर खड़ा हो गया तो भी बच्चों ने देखा नहीं। एक बच्चा रेत का एक ऊपर बनाया हुआ है, उस पर बैठा है, 4-5 बच्चे सामने बैठे, उसने आँख खोलकर भी नहीं देखा। कुछ देर खड़ा रहा, देखा नहीं। तब राजा बोला, ओ बच्चे देखो कौन खड़ा है। तब जो बच्चा मुखिया था बोला कि मुझे क्या लेना देना, कोई खड़ा होगा मुझे क्या। अरे देखो राजा खड़ा है, खड़ा है तो खड़ा है, मुझे क्या, मुझे क्या। तो बच्चे तुम बड़े सयाने लगते हो, और ये मिट्टी के साथ तुम लोग खेल रहे हो, ये क्या है। बच्चा बोला, यह मिट्टी का पुतला मिट्टी के साथ नहीं खेलेगा तो किसके साथ खेलेगा।
राजा को आशा नहीं थी कि ऐसा उत्तर मिलेगा, पर यह उत्तर इंद्रिय चेतना से नहीं आ रहा, यह अतीन्द्रिय चेतना से आने वाला उत्तर है। राजा भी विस्मय में पड़ गया। राजा ने कहा, बच्चे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे महल में चले जाओ, वहां रहोगे? उसने कहा, मैं थोड़ा सोच लेता हूँ। दो चार मिनट ध्यान में मग्न हो गया और दो चार मिनट के बाद आंख खोली, बोला कि रह सकता हूँ पर मेरी दो शर्त है, अगर तुम शर्त मानो तो मैं रह सकता हूँ, नहीं तो नहीं रह सकता। क्या शर्त है तुम्हारी? पहली शर्त तो यह है कि मैं सोऊं और तुम पहरा दो तो मैं तुम्हारे साथ रह सकता। राजा बोला, मेरे पहरा तो दूसरे लोग देते हैं, मैं किसका पहरा दूंगा? कि मेरी शर्त है दूसरी पहर कि 24 घंटा मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, नहीं तो नहीं रह सकता। उसने कहा, मेरे लिए संभव नहीं, मुझे तो राज्य का संचालन करना है, सारा काम करना है, तुम्हारे साथ कैसे रहूँगा? ये दोनों शर्तें नहीं हो सकती। बोला, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मेरा प्रभु, मैं सोता हूँ वह जागता है, और मेरा प्रभु 24 घंटा मेरे साथ रहता है, उसको छोड़कर मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँगा? अब आप इस कथा का विश्लेषण करें, यह उत्तर कहाँ से आया? लग जाए राजा है, राजा अपने महल में ले जाना चाहता है, तब तो भला आदमी कहीं से चला आए, कहीं सत्ता कुर्सी मिलती हो तो लंदन से अमेरिका से यहाँ आ जाए, फिर भला ऐसी बात कैसे कह सकता है? पर यह उत्तर कहाँ से आया? ये अतीन्द्रिय चेतना से आने वाला उत्तर है। न राज्य की आकांक्षा, न राज प्रासाद में रहने की आकांक्षा, और न कोई राजा की कृपा की आकांक्षा, केवल अपनी चेतना की आकांक्षा। अतीन्द्रिय चेतना प्रेक्षा ध्यान का प्रयोजन है, अतीन्द्रिय चेतना का विकास करना। अब अतीन्द्रिय चेतना का जो अनुभव है बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो लोग नहीं करते उन्हें पता नहीं चलता, और करने वाला बता नहीं सकता कि अतीन्द्रिय चेतना का अनुभव कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, कोई बता नहीं सकता। वर्तमान में मस्तिष्क विद्या का बहुत विकास हुआ और चेतना पर भी आज के वैज्ञानिक बहुत काम कर रहे हैं। मस्तिष्क विद्या के अनुसार चेतना के तीन स्तर बतलाए गए, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और हायर कॉन्शियस माइंड। ये तीन स्तर हैं चेतना के। यह सोचना, थिंकिंग, सोचना, यह सारा कॉन्शियस माइंड का काम है, हमारी चेतना का स्तर है जहाँ हम चिंतन करते हैं, कल्पना करते हैं, यह कॉन्शियस माइंड का काम है, हमारी जागृत चेतना का, जागृत मन का काम है। इस स्तर पर जो जीता है वह चिंतन को ही सर्वोपरि मानता है, किंतु चिंतन सर्वोपरि नहीं है, और चिंतन में से तो बहुत विकृत बातें भी निकलती है। चिंतन का अपना एक मूल्य है, पर चिंतन का अतिरिक्त मूल्य नहीं है और ऊपरी मूल्य नहीं है। इसके आगे जो हमारी दूसरी चेतना है अनकॉन्शियस माइंड की, उसे बतलाया गया कि वह स्टोर हाउस फॉर इमोशन, बिहेवियर, इनका एक केंद्र है, जो हमारी चेतना का दूसरा स्तर है, हमारे व्यवहार का निर्धारण होता है, हमारे सारे इमोशन का संबंध उसके साथ जुड़ा हुआ है, और आदमी ज़्यादा इमोशन जीवन ही जीता है, ज़्यादा भावतंत्र का जीवन जीता है और उसके आधार पर ही चलता है। अब आप समस्याओं का विश्लेषण करें कि सारी समस्या कहाँ आ रही है? ये सारी इंद्रिय चेतना के स्तर हैं, हम इन दोनों की, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड की तुलना करें तो ये इंद्रिय चेतना का स्तर हमारा आएगा, यह हमारी सारी समस्याएं जुड़ी हुई है,
हमारी समस्या व्यवहार के साथ जुड़ी हुई है, हमारी समस्या स्मृति के साथ जुड़ी हुई है, आदतों के साथ जुड़ी हुई हमारी समस्याएं हैं। ये समस्याएं इनके साथ जुड़ी हुई है। चेतना का जो तीसरा स्तर है, तीसरा, वह है हायर कॉन्शियस। बस वहां समस्या का समाधान होता है। वह इंद्रिय चेतना का स्तर हो सकता है। उसका काम नोइंग नहीं, बस केवल जानना। केवल शब्द का प्रयोग आप तीसरी चेतना के लिए कर सकते हैं। हायर कॉन्शियसनेस के लिए आप ये केवल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि वह केवल जानना, बस केवल जानना है। और उसके साथ जानना मुख्य बन गया। अब केवल जानने वाली बात अगर समझ में आ जाए, केवल एक हम केवल शब्द को पकड़ लें तो केवल जानना है, कोरा जानना है, इसका अभ्यास हो जाए, सैकड़ों सैकड़ों मानसिक समस्याओं और भावात्मक समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः, गुरुवे नमः।